गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ओमेश गाजी। वेलकम बैक। माय अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं उठ गया हूँ सो के और ब्लैक कॉफ़ी बना ली है मैंने। ब्लैक कॉफ़ी पी के फिर चलते साइकिलिंग करने। साइकिलिंग करने के लिए रेडी। इतनी प्यारी प्यारी और ठंडी ठंडी हवा है कि क्या बताऊं, मजा आ रहा है साइकिलिंग करने में। यहाँ तो कोई नहीं है तो मार्क्स तो नीचे कर ही सकता हूँ। और ये देखिए खेत। एक किलोमीटर साइकिलिंग करके अपन आ गए हैं कॉलेज स्कूल की तरफ। और व्यू इतना प्यारा है सुबह का, क्या बताऊं। बहुत दिनों के बाद बाहर निकल के इतना अच्छा लग रहा है, और वो भी सुबह 6 बजे। बहुत लोग आ रहे हैं, थोड़े बहुत कोई योगा कर रहा है। देखिए वो अंकल कर रहे हैं साइड में बैठ के, और बहुत प्यारा लग रहा है। चिड़ियों की आवाज़ कान में इतनी प्यारी लग रही है, क्योंकि सिटी में तो कुछ सुनाई नहीं देती है। साइकिलिंग करते करते मैं तारोंदा पहुंच चुका हूँ। व्यू देखिए पीछे, खेत ही खेत, कितना अच्छा लग रहा है। ये कुछ नहीं है, गांव वाले भी नहीं उठे, सब सो रहे हैं। व्यू देखिए कितना प्यारा है, पूरा मजा ही आ गया साइकिल चलाना। और ये आ गए पंचजारपुर। अब जारपुर क्रॉसिंग क्रॉस करते हुए, अच्छा है क्रॉसिंग खुली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ब्रेकर और ये खराब रोड। अब मैं कैमरा अंदर रखता हूँ, सामने से गाड़ी आ रही है। अब इतनी खराब रोड है, जितना मजा आ रहा था उतना ही अब बेकार लग रहा है। दच्छों से अब इंजन ऑयल रिफाइनरी की तरफ आ गए अपन। पीछे देख सकते हैं टैंक है, रिफाइनरी नहीं, स्टोरेज टैंक है। यहाँ स्टोर होता है खाली, रिफाइनरी तो और कहीं है, बीना में है। बहुत बड़ी है रिफाइनरी, इसका मेन गेट सामने खड़े हैं उसके अनलोड होने के लिए। ये मेन गेट है, देखिए। धूप तो निकल आई लेकिन घर बताया था कि बहुत खराब रोड है। बिल्कुल मिनी लद्दाख का फील आया मेरे को वहाँ से साइकिल निकालते हुए। इतनी स्लश और कीचड़ था वहाँ पर कि टायर फंस रहे थे, और उसके लिए एक लोडिंग भी आ गई। पुरानी डांसी पीछे तरफ जो रास्ता जा रही है, सीधे जिम है मेरी। और पूरा हाईवे भी खाली है, थोड़े बहुत लोग घूम रहे हैं, पूरा खाली है। हम 12 बजे रोड पर, यहाँ छोटी सब्जी मंडी और चलते हैं घर। सनलाइट इतनी ज़्यादा हो रही है, कैमरे में कुछ दिख नहीं रहा है बैक की साइड से। यहाँ मैं रनिंग करने आता था जब लॉकडाउन नहीं लगा था, इसी रोड पे मैं रनिंग करता था।
जब बारिश के टाइम में अब फिर से बारिश स्टार्ट होने लगी है तो रोड पे ही करनी पड़ेगी रनिंग। ये अपनी लैम्बोर्गिनी जिसको मैंने अपना नाम दिया है, ये वही साइकिल है जिससे मैंने चलाना सीखी है और इससे बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। अब साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि अपोजिट साइड की हवा चल रही है और मैं बहुत दिनों बाद साइकिल भी चला रहा हूँ। समथिंग मेरा तो नहीं, साल भर से तो नहीं चलाई है। शायद मेरा दोस्त भी हो सकता है, वो दौड़ रहा है वाला। मिलने जाके देखा तो कोई नहीं था, सब रनिंग करके घर चले गए थे, लेट हो गया मैं। अब मैं भी चलता हूँ घर और अभी हूँ मैं स्टेशन के बैक साइड में। करने आया था, मुझे ये देखा हर्षित तू यहाँ कहाँ घूम रहा है, कंपनी नहीं गया आज, पेमेंट कट जाएगी, जल्दी जा कंपनी। मलाई वाला नारियल निकाल लो, सेव कर दो। फ्रूट ले लिए हैं, अब चलते घर। सब्जी मंडी आया था मैं फ्रूट लेने, अभी हल्दीराम आया है दही और पनीर लेने। आए मार्केट में सामान, दो पन्नी में कर देना ट्रे। अंडे ले लिए हैं, ब्रेड तोश, तो चलते हैं घर। ढाई सौ ग्राम मटर दे देना और पनीर 50 का। मटर और पनीर ले लिया, अब चलते हैं घर। अब अपन बनाएंगे ऑमलेट। ऑमलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तवा रख लिया गैस पे, चलिए इसमें ऑयल डालते हैं। अंडे फेंट लिए हैं और ऑयल भी गर्म हो गया है, तो डालते हैं। ऑमलेट पलटा दिया है, एक साइड से सिक चुका है, अब सेक के फिर प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। इधर पाव सिक रहे हैं, इधर भाजी बन रही है। आज पाव भाजी और ऑमलेट, तीन चीज। पाव भाजी बन के तैयार है, ऑमलेट। चलिए इसको हम खाते चलते बाद में आपको। अभी शाम को 5 बज रहे हैं और इस हेलमेट में अपन को GoPro लगाना है, तो पहले इसको साफ कर रहे हैं। एक आधा हेलमेट बहुत दिन तक खा रहा है। यहाँ एक्शन कैमरा माउंट करेंगे अपन और एक्शन कैमरा निकालने से माउंट करते हैं। GoPro ले आए हैं लेकिन डबल टेप तो है नहीं है, उसमें चिपकाएंगे कैसे, तो अब डबल टेप लाना पड़ेगा, फिर उसका चिपकाते हैं इसको लाकर। अब ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है इसलिए इसको अभी यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। बाय।